देता हूँ। अच्छा तो बेसिकली सीआईसीडी पाइपलाइन का किस किस को पता है अभी तक? किसी को पता है तो उधर आंसर करे ताकि फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। एब्रीवेशन की हद तक पता है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डेवलपमेंट, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ये सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। अच्छा तो बेसिकली पहले हमारे पास होता क्या था कि डेवलपर कोड लिखता था, उसके बाद कोड बिल्ड करता था। वो बिल्ड जावा का कोड होता था, तो उसके लिए हम लोग आईडी वगैरह यूज़ करते थे, नेट बीन्स वगैरह उस पर बिल्ड करते थे। फिर उसकी टेस्टिंग होती थी, फिर वो क्यूए वालों के पास जाता था, क्यूए वाले उसको चेक करते थे, कोई मसला होता तो फिर डेवलपर को बताते थे, फिर वो टेस्टिंग की तरफ जाता था, तो उसके बाद फिर रिलीज़ में आता था, उसके बाद फिर एंड यूज़र तक पहुँचता था। तो उसमें मसला क्या होता था हमारे पास कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और टाइम बहुत ज़्यादा लगता था उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है सब चीज़ें मैनुअली हमारे पास परफॉर्म होती थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। क्योंकि कोड लिखेगा डेवलपर, फिर वो आगे क्यूए वालों को देगा या अपने पास टेस्ट करेगा, फिर क्यूए वाले मैनुअली उसको टेस्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद फिर उसको अगर कोई मसला है तो फिर डेवलपर को बताएंगे। मतलब एक हफ्ते का प्रोसेस तो आपका कहीं नहीं गया। लेकिन सीआईसीडी पाइपलाइन में हम लोग के पास क्या है बेसिकली कि डेवलपर ने लिखा कोड, कोड को उसने पुश किया गिटहब पे अपने, गिटहब पे पुश करने के बाद हम लोग जेंकिंस के थ्रू हम लोग मेविन यूज़ करते हैं। अगर जावा का कोड है तो मेविन यूज़ करेंगे, बाकी एचटीएमएल वगैरह के लिए हम लोग को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। तो बिल्ड में होता क्या है बेसिकली जितनी भी उसकी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज होती है ना, सबको एक पैकेज में आ जाती है। जैसे एंड्रॉयड में आपके पास होता है एपीके एक्सटेंशन जो होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, जब इंस्टॉल करते हैं हम लोग तो उसका एपीके एक्सटेंशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारी लाइब्रेरीज और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना एप्लीकेशन की, वो सब एक ही फाइल में हो जाती हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि डेवलपर ने कोड लिखा, उसने गिटहब पे पुश किया, उसके बाद हम लोगों ने अगर जावा की एप्लीकेशन है या सी शार्प की या ESP.NET की, उसको हम लोगों ने बिल्ड किया जेंकिंस के थ्रू, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको कंटेनराइज करके डॉकर की रजिस्ट्री पे हम लोगों ने पुश कर दिया, और पुश करने के बाद फिर वो आएगी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्यूबरनेटीज पे। जब हम लोगों ने डॉकर पे पुश कर दी इमेज, तो उसके बाद फिर जब हम लोग क्यूबरनेटीज के पॉड में पुल करेंगे या पॉड में इमेज देंगे, तो हम लोग वही वाली देंगे जो हम लोगों ने बिल्ड करके उस पर पुश किया डॉकर पे। तो ये प्रोसेस जो होता है ये CI/CD के थ्रू कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, उसने पुश किया डेवलपर ने गिटहब पे, गिटहब से पुश करने के बाद हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं सोनार क्यूब। सोनार क्यूब से क्या होता है स्टैटिक कोड एनालिसिस, उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको कंडीशंस दे देते हैं कि अगर इसमें बग्स इतने बग्स हैं या फिर इतने इसमें एरर्स हैं, तो कोड को फेल करके डेवलपर को एक ईमेल कर दे कि भाई आपका कोड फेल हो गया है, और उसकी रिपोर्ट भी पूरी जनरेट होती है। और उसके बाद हमारा कोड आता है जेंकिंस में, फिर हम जेंकिंस के थ्रू क्या करते हैं, जेंकिंस के थ्रू हम लोग उसकी इमेज बिल्ड करते हैं। इमेज बिल्ड करने के बाद हम लोग उसके डॉकर डॉकर हब पे पुश करते हैं, पुश करने के बाद फिर हम लोग की स्टेजिंग वगैरह और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आ जाता है हमारा सारा कोड। तो बेसिकली अभी जो हम लोग पाइपलाइन बनाएंगे उसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक वो ले लेते हैं, ये आ गया हमारा गिट, डेवलपर आ गया हमारा, डेवलपर ने कोड पुश किया अपना कहाँ पर, गिट पे। हम लोग क्योंकि बेसिक बना रहे हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं होंगी हमारी। आप डेवलपर हैं, आपने कोड लिखा, आपने गिटहब पे पुश कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गिटहब को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग जेंकिंस है। जेंकिन आ गया, जेंकिन के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको कंटेनराइज करेंगे जेंकिंस के थ्रू ही। अच्छा ये चीज़ जितने भी हमारा प्रोसेस होगा ये सब एक क्लिक पे ही होगा, हम लोग को चीज़ें मैनुअली ऐड करनी पड़ेंगी, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। जो अभी हम आगे करेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, उसको कंटेनराइज करा।
कंटेनराइज करके हम लोगों ने उसको डॉकर अप पे पुश कर दिया, या अभी उसको पुश नहीं करते हम लोग एक काम करते हैं कि मैन्युअली मैन्युअली डायरेक्ट उसको डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग। कंटेनराइज करने के बाद एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय हो जाएगी। डिप्लॉय होने के बाद फिर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे अपने वेब ब्राउज़र पे। ये आज की हमारी बेसिक सी आई सी डी पाइपलाइन होगी, जिसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम लोग नहीं रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सेशन बाय सेशन हम लोग चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। इसमें अभी तक यहाँ पे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई कर ले, पूछ ले। किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले जी भी उसपे जंकिंस पे कंटेनराइज भी हो जाएगी जी जी एप्लीकेशन, जेंकिंस के थ्रू ही हम लोग कंटेनराइज भी कर देंगे उसको। भाई ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है? हम लोगों ने अपना जेंकिंस का पेज खोल लेना है। अच्छा, पासवर्ड इसका जेंकिंस का ये। अच्छा, यहाँ पे जब आपने इंस्टॉल किया ना, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर उसने लिंक पाथ दिया हुआ कि इस पाथ पे जेंकिंस का हमारा इनिशियल पासवर्ड स्टोर है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि कैट लिख के पाथ को पेस्ट कर देना है। परमिशन का इशू आ रहा है तो सूडो लगा लें से पहले। ये आ गया हमारा इनिशियल पासवर्ड। ये आपने पेस्ट किया अपना। उसके बाद आपने यूज़र क्रिएट करना है अपना। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपका पोर्ट आ गया। पोर्ट जो भी आप देंगे उस पोर्ट पे सेट हो जाएगी जेंकिंस की एप्लीकेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं खैर 8080 रहने देता हूँ। अच्छा, जेंकिंस जब आपने सेटअप कर लिया, लॉगिन कर लिया, उसके बाद कुछ ऐसा पेज दिखेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपको चीज़ देखने को जो मिल रही है वो दिख रही है न्यू आइटम, जिसके थ्रू हम लोग पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। उसके बाद है पीपल, जिसमें हम लोग यूज़र बना के उनको ऐड करेंगे। कि जैसे हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, अभी तो हम लोग एज ए एडमिन यूज़र लॉगिन हुए हैं, लेकिन बाद में जब हमें दूसरे यूज़र्स भी ऐड करने होंगे, उनको परमिशंस देनी होगी, यार ये यूज़र सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है, उसमें एडिटिंग या नई पाइपलाइन क्रिएट नहीं कर सकता। तो वो भी इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है हमारे पास बिल्ड हिस्ट्री। यहाँ पर जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, जब पाइपलाइन रन करेंगे, तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी। और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास मैनेज जेंकिंस का। तो मैनेज जेंकिंस पे हम जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगर सिस्टम का ऑप्शन है, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके थ्रू हम लोग जो प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर सिस्टम है, इसके अंदर जेंकिंस की कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक। और यहाँ पर है हमारे पास मैनेज प्लगइन्स का ऑप्शन। तो हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले गिट का प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसने आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल किए तो आपके पास हुआ हुआ होगा, और जिनके पास नहीं हो रहा तो वो यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है अवेलेबल प्लगइन्स पे, और उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है गेट। तो मेरे पास खैर हुआ हुआ प्लगइन तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पर सिर्फ गेट लिखा हुआ होगा। गेट सर्वर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ गेट का प्लगइन होगा। आपने उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने आना है न्यू आइटम पर। तो यहाँ पर न्यू आइटम पे आने के बाद यहाँ पे आपका पाइपलाइन का नेम आएगा। यहाँ पे हमारा पाइपलाइन का नेम आया, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट का। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में क्या है कि सारे ऑप्शन हम लोगों को मैन्युअली खुद करने पड़ेंगे। प्री डिफाइंड कोई भी चीज़ नहीं होगी इसमें, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जैसे मर्जी हम लोग कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। और यहाँ पर दूसरी हमारे पास आ गई पाइपलाइन।
इसमें क्या है, इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें ना पहले से ऐड हुई भी होती हैं, तो उसी के थ्रू हम लोग और चीज़ें इंटीग्रेट करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट आ गया, इसको मैंने खैर यूज़ नहीं किया अभी तक, और ना मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी हमें यूज़ करने की। तो हम लोग अपनी फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम लोग करते हैं ओके। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आने के बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहें कि भाई कि दिस इज़ माय फर्स्ट पाइपलाइन, और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा सोर्स कोड मैनेजमेंट का, और यहाँ पर एक ऑप्शन है गिट का, क्योंकि हम लोगों ने गिटअप से इंटीग्रेट कराना है, तो यहाँ पे हम लोग गिट सेलेक्ट करेंगे, और गिट सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जाना है अपनी गिटअप की रेपो पे। यहाँ पे रेपो पे जाने के बाद अगर हमारे पास जैसे एक पब्लिक है, हम लोग के पास ये मैंने अभी अपलोड किया था, तो ये है पब्लिक रेपो। यहाँ पर जाने के बाद आपने कोड पे क्लिक करके बेसिक यहाँ पे HTTPS है, इसको सिर्फ लिंक कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट करना है। तो इससे होगा क्या कि हमारी गिटअप की रेपो रिपोजिटरी जेंकिन से इंटीग्रेट हो जाएगी, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ब्रांचेस टू बिल्ड। अब हमारे पास कौन सी ब्रांच है, उस पर मेन ब्रांच है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर मास्टर है या मेन है तो उसमें भी हम लोगों ने वही लिखनी है, क्योंकि हमारे पास मेन है तो यहाँ पर भी हम लोग मेन लिखेंगे, और मेन लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट करने के लिए हम लोग करेंगे बिल्ड पे क्लिक, बिल्ड नाउ। उससे क्या होगा कि एक बिल्ड स्केड्यूल हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास कंसोल का आउटपुट दिखेगा कि जो भी एरर्स वगैरह होंगे ना, वो आपको यहीं पे शो होंगे पाइपलाइन से रिलेटेड, कि अगर कोई मसला आ रहा है, प्राइवेट रेपो है या कोई और मसला है, तो उसका एरर आपको यहीं पे दिखेगा। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग वापसी जाएंगे अपनी पाइपलाइन पर जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन सेशन के नाम से, इस पर आपने क्लिक किया, वर्क स्पेस की आप डायरेक्टरी में गए, तो यहाँ पर देखें हमारा कोड हो गया पुल। बिल्ड ट्रिगर के अंदर किस चीज़, कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है बिल्ड ट्रिगर्स में? कहाँ पर, एक सेकंड रुक जाए, कॉन्फ़िगर बिल्ड ट्रिगर्स जो आया था इसके अंदर बिल्ड ट्रिगर्स पे कुछ भी नहीं करना है अभी। आगे, ठीक है फिर? अभी सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग अपनी पाइपलाइन पे गए, सही है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया हमने, गिट का डिस्क्रिप्शन दे दिया लिंक हम डाल लोगों ने, दिया हमने, ब्रांच सेलेक्ट कर ली। नीचे हम लोग गए सोर्स कोड मैनेजमेंट में, यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट किया गिट, गिट आ गया। गिट पे हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी रिपोजिटरी का हम लोगों ने यूआरएल देना है, सही है, जो ठीक जो हम है, लोगों ने यहाँ से जाके कॉपी किया है कोड पे सही है, क्लिक ठीक करके है। HTTPS, और यहाँ से कॉपी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको नीचे आके ब्रांचेस टू बिल्ड में आए, और यहाँ पर हमारे पास आ गया ब्रांच, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रांच का नेम दे दिया अपना। सही है, उसके बाद हम लोगों ने सेव करके इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक किया, अच्छा सेव कर दें बस, उसके बाद बिल्ड नाउ कर दिया, ठीक है। ये हमारा बिल्ड हो गया, नीचे देखें कंसोल के आउटपुट आ रहे हैं, इस पर क्लिक किया, सबसे नीचे मैसेज आ गया हमारे पास सक्सेस का, बिल्ड हो रहा है अभी मेरा तो। आपका बिल्ड हो रहा है। यहाँ तक आप लोग कर लें अपने पास। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक। ये केस टू केस बेसिस पर आपकी ये जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं ना? क्यों मेरा मतलब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन में गए थे, जैसे कॉन्फ़िगरेशन हाँ में हमने आए, हमने गेट सेलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद दूसरे भी, जैसे ये सपोज करें कि ये डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड्स, गेट हब प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, इनका भी कोई ना कोई काम होगा, फिर हाँ ये क्रेडेंशियल्स जो है वो क्यों, मतलब क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पर एक पूछ रहा है, जैसे रिपोजिटरी यूआरएल है। क्रेडेंशियल हम लोग को तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग SSH करवाएंगे प्राइवेट रेपो पे, क्योंकि ठीक है, ठीक अभी हम लोग पब्लिक रेपो पे हैं, तो हम लोग को SSH करने की ज़रूरत नहीं है। SSH में होगा क्या कि हम लोग एक SSH की जनरेट करेंगे, एक की हमारी कहाँ ऐड होगी, एक की हमारी ऐड होगी जेंकिंस में जो प्राइवेट की होगी, हाँ और जो पब्लिक हाँ की जो होगी ना हमारी, वो गिटअप में सेटिंग्स में जाके, हाँ
हाँ SSH एंड TPG कीज, जी, हाँ और यहाँ पर न्यू SSH की, और यहाँ पे हम लोग अपनी टाइटल देके उसको ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वो हमें अपना लिनक्स से जनरेट करनी पड़ेगी ना जी SSH लिनक्स कीज से करनी को, पड़ेगी, या कोई वेबसाइट्स वगैरह पब्लिक भी। की और प्राइवेट की जो। जी, उससे कमांड उसकी है SSH-keygen। हाँ वो आपको जो है वो दे देगा कि हाँ, RSA की पेयर वगैरह जो है वो दे देता है यहाँ आपको। पर आपने कुछ भी नहीं करना है, एंटर 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 करना है, वो की जनरेट हो जाएगी आपकी, और उसके बाद आप कैट करके देख लें उसको कि की में वैल्यू क्या है और उसमें डेटा क्या है। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने रिपोजिटरी ऐड करके सेव कर दिया और हम लोगों ने इसको कर लिया बिल्ड। ठीक है, मेरी बिल्ड सक्सेसफुल हो गई है मेरी। बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। आप वर्कस्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोड भी शो हो जाएगा आपका। ठीक है सही है। और कोड हमें अगर देखना है कि हमारे पास कहाँ पर है, तो वो है var lib jenkins, और इसके अंदर एक फोल्डर होता है वर्कस्पेस के नाम से। ये देखिए मेरे पास पुल हो गया, pwd किया मैंने, यहाँ पर उसका लिंक आ गया var lib jenkins, और जेंकिंस के अंदर एक फोल्डर है हमारे पास वर्कस्पेस का, और उसके अंदर एक फोल्डर जो हमारे रिपोजिटरी का नेम था उस नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया, और उसके अंदर हमारा कोड पुल हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ तक वार्लेब जेंकिंस ठीक है। उसके बाद वर्कस्पेस। वर्क स्पेस, हाँ ये दोबारा बताएंगे आप जरा दोबारा से, ये क्या चीज़? थोड़ा सा रिपीट करेंगे थोड़ा सा पीछे से। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने एक नई पाइपलाइन क्रिएट की, यहाँ पे उसको पाइपलाइन का नेम दे दिया, यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने क्लिक किया ओके पे, तो ये हमारी पाइपलाइन प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, XYZ जो भी आप, मतलब जिस उससे आइडेंटिफाई करना चाहें इसको। अच्छा, और नीचे आके आप आए सोर्स कोड मैनेजमेंट में, क्योंकि हम लोग गिटहब से हम लोगों ने कोड पुल करना है, तो हम लोग सोर्स कोड मैनेजमेंट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे गिट, जो गिट का प्लगइन हम लोगों ने पहले इंस्टॉल किया था। और यहाँ पर आने के बाद हमने देना है उसको रिपोजिटरी का URL, जो कि हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं योर रिपोजिटरी में जाके, यहाँ पर जो भी आपकी रिपोजिटरी है यहाँ से आप उसको कॉपी कर लें कोड में जाके HTTPS, HTTPS के अंदर ये आपका लिंक आ गया, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप इसको करते हैं नीचे से ब्रांच दें उसको, कि आपकी ब्रांच कौन सी गिटहब की, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मेन, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है मेन ब्रांच है मेरी, और जब मल्टीपल ब्रांचेस हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ मास्टर मास्टर के नाम से कर लेता हूँ, या गया क्रिएट ब्रांच फ्रॉम मास्टर फ्रॉम मेन, तो ये मेरे पास मास्टर की एक ब्रांच क्रिएट हो गई। इसमें मैं ज़रा से कुछ एडिटिंग कर देता हूँ, ताकि जब हम लोग चेक करें तो हम लोग को पता चल जाए यहाँ पे हम लोगों ने एडिटिंग कहाँ पे की है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने हरीश जी यार, मैंने अपना वो साइन इन वाले पेज पे तो आ गया हूँ, लेकिन ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ना उसके बाद पासवर्ड शो नहीं हो रहा है। पासवर्ड शो नहीं हो रहा हाँ वो आप उसकी डायरेक्टरी में चले जाओ ना पासवर्ड वाली, var स्लैश जो वो है उसकी, ऊपर पाथ लिखा हाँ हुआ var है, स्लैश lib स्लैश jenkins इनिशियल पासवर्ड का डायरेक्टरी होगी एक, कैट करवा लो उसको आप। सूडो लगा के ना लिंक कॉपी कर लो उसके, डायरेक्टरी का पाथ कॉपी करके सूडो कैट और स्पेस देके वो पेस्ट कर दो, तो यार ये पासवर्ड चीज शो हो फिजिकल जाएगा। करके दिखा सकते हो जो बोल रहे हो आप, जो बोल रहे हो ठीक है, मैं फिजिकल अभी करके करके दिखा दिखाता हूँ। सकते अच्छा, यहाँ पर मैंने करना क्या है कि इसको तो पहले मैं क्लियर कर लूँ। अब यहाँ पर मैंने करना क्या है कि यार आप माइक अपना ना म्यूट कर लो, सूडो एक काम करता हूँ, पहले होम पे आ जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने टाइप करना है सूडो, क्योंकि मैं रूट यूज़र से लॉगिन नहीं हूँ तो मैंने सूडो लगाना पड़ेगा परमिशंस के लिए, कैट स्लैश वार स्लैश लिब जेंकिंस, के अंदर होगा कौन सा पाथ था, पाथ तो आपको उसी पे शो करेगा। अच्छा, ये आ गया सीक्रेट्स
जेंकिंस के अंदर सीक्रेट्स का फोल्डर है, और सीक्रेट्स के अंदर एक हमारे पास फाइल है इनिशियल पासवर्ड के नाम से। हम लोगों ने सूडो करके इसको कैट किया। अच्छा एक सेकंड, cd /var/lib/jenkins/secrets सूडो, परमिशन नहीं, ठीक है एक सेकंड, सूडो su तो इस फाइल में मैं आया, यहाँ पर मेरे पास ll किया मैंने। अच्छा इनिशियल पासवर्ड क्योंकि मैं पहले से दे चुका हूँ तो उसके बाद तो फाइल डिलीट हो जाती है, वो पासवर्ड सिर्फ एक ही दफ़ा डलता है जब मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ तो वो डिलीट हो जाती है। इसके अंदर होगी एक इनिशियल पासवर्ड के नाम से फाइल जिसको आपने करना कैट, आपने करना क्या है कि यहाँ पर इनिशियल पासवर्ड और सूडो कैट करके आपने उसको पाथ दे देना है, जो पाथ शो हो रहा होगा इंस्टॉलेशन के बाद। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक पासवर्ड शो करेगा जो आपने सिर्फ कॉपी करना है और अपने जेंकिंस में पेस्ट करना है। ये हम लोग शुरू में कर चुके हैं तो अगर आप वीडियो वापसी से देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ओके, तो हम पहले भी कर चुके हैं, ओके गॉट जी। अच्छा तो मैं यहाँ पर आ गया अपने उसमें टेम्पलेट की इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पर मैं कोई किसी चीज़ को एडिट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ रहा है वेलकम टू ओनिक्स डिजिटल, इसको मैं कर लेता हूँ वेलकम टू, एडिट कर लूँ उसको। पासवर्ड मिल गया भाई, मिल गया, मुबारक हो। खैर मुबारक, एडिट क्यों नहीं हो रहा ये? ठीक है पेस्ट कर दिया। अबे अब ये क्या मुसीबत है, लिखा रहा था पासवर्ड एंटर्ड इज इनकरेक्ट। स्पेस स्पेस का ख्याल रखो, स्पेस अगर होगा तो पासवर्ड काम नहीं करेगा। स्पेस अच्छा यहाँ पर मैं लिख दिया वेलकम टू द क्लास, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी दूसरी ब्रांच है। इसको हम मल्टीपल ब्रांचेस है ना आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले एक बेसिक अपनी कंप्लीट कर लें उसके बाद हम लोग उसमें ऐड कर देंगे चीज़ें ताकि बेसिक का कॉन्सेप्ट मिल जाए। अच्छा माइक अपना म्यूट कर लो। सेव करने के बाद आपने इसको बिल्ड किया और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्ड की रिपोर्ट आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे लॉग्स आ गए उसके कंसोल के, और एंड में आपके पास स्टेटस जो आना चाहिए वो आना चाहिए सक्सेस का। अच्छा अरे एक ये बता दो, ये स्टार्ट करने के बाद इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स करना है या सेलेक्ट प्लगइन्स करना है? सजेस्टेड प्लगइन्स, सजेस्टेड प्लगइन्स, ठीक है। सजेस्टेड प्लगइन्स क्या क्या करना है यहाँ पे? सजेस्टेड पे क्लिक करो, वो खुद ही बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा खुद ही। सही हो गया, ठीक है। अच्छा माइक है ना म्यूट कर लो, जरा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बहुत। तो अच्छा यहाँ पे कंसोल का आउटपुट हम लोगों ने देख लिया कि सक्सेस का आ गया। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी पाइपलाइन पे जाएंगे वापसी, जो जिसका नेम ऊपर शो हो रहा है डैशबोर्ड के अंदर, तो हम लोगों ने क्लिक किया, हम लोग वर्क स्पेस पे, यहाँ पर हम लोग के पास फाइल्स पुल हो गई हैं। ठीक है यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले ताकि हम लोग अगले स्टेप पे चलें। अपने नेक्स्ट स्टेप पर चला, आपने वो की जनरेट कर ली अपनी, वो जो प्राइवेट के लिए की जनरेट करनी थी, या आप पब्लिक बना रहे हो अभी? अभी पब्लिक पे है, उसके बाद हम लोग प्राइवेट पे आएंगे। ओके चलिए, मैंने स्टार्ट ही प्राइवेट से कर दिया ना, चलें ठीक है मैं जनरेट कर लेती हूं। ओके ठीक है कोई सुनिए। अच्छा उसके बाद हम लोग अपनी पाइपलाइन पे आ गए वापसी, और यहाँ पर हम लोगों ने आना है कॉन्फिगर में। कॉन्फिगर में आने के बाद दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि ऐड बिल्ड स्टेप। बिल्ड स्टेप्स में आने के बाद अगर आपकी विंडोज़ है, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमांड, और अगर लिनक्स है तो फिर एग्जीक्यूट शेल, ठीक है। एग्जीक्यूट शेल में आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो हम लोग एक काम करते हैं मैनुअली, हम लोग एक डॉकर की इमेज बना लेते हैं जो हम लोगों ने कोड पुल किया उसके थ्रू।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्क स्पेस के फोल्डर में आके जहाँ पे आपका कोड पुल किया हुआ आपने, सीटी वर्क स्पेस, वर्क स्पेस के अंदर मेरे पास दो पाइपलाइंस थी, तो मैं पहली वाली पाइपलाइन में जाके उसके फोल्डर में जाके एक डॉकर फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, डॉकर फाइल, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, डॉकर फाइल। और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि हम लोगों ने एक इमेज बिल्ड करनी है जिस वेबसाइट को हम लोगों ने पुल किया ना उसके थ्रू। तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग बेस इमेज देंगे, क्योंकि सबसे पहले इमेज कौन सी यूज़ करनी है उसने, जिसके ऊपर एक टास्क परफॉर्म करना है। तो फ्रॉम एंजिनक्स हम लोग एंजिनक्स की इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एंजिनक्स दे देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने करंट डायरेक्टरी में जितने भी कॉन्टेंट्स हैं ना उसको कॉपी करवाना है एंजिनक्स के कंटेनर के अंदर, जो एंजिनक्स का डिफॉल्ट पाथ जो होता है जहाँ पर हमारी वेबसाइट रखी जाती है वहाँ पर, तो उसका पाथ होता है यूज़र केयर यूजर स्लैश डब्ल्यू 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 यूजर एंजिनक्स स्लैश www स्लैश एचटीएमएल डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू चार डब्ल्यू लग गए। ठीक है। अच्छा पाथ ज़रा कंफर्म कर लेते हैं इसको, क्योंकि पाथ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। एंजिनिक्स क्या है यूजर स्लैश www ये एंजिनक्स रहा नहीं चाहिए यूजर शेयर एंजिनक्स www, ठीक है, यूजर शेयर एंजिनक्स www, इसमें HTML नहीं है। खोल लेना सो अच्छा, तो डिफॉल्ट पाथ देखने के लिए हम लोग, या तो फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, एंजिनक्स से डॉकर अप की हम लोग रेपो पे आ जाएं। यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट पाथ मिल जाएगा एंजिनक्स का, तो यहाँ पर हमारे पास एंजिनक्स का डिफ़ॉल्ट पाथ क्या है, यूज़र शेयर एंजिनक्स HTML, ठीक है। अच्छा एंड में स्लैश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको बताना है कि भाई इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करनी है। हम लोगों ने किया क्या है, यहाँ पे कॉपी किया है करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स कहाँ पर, यूज़र शेयर एंजिनक्स HTML के अंदर। तो उसके बाद आप उसको सेव कर लें, और उसके बाद आपको उसको अपने पास बिल्ड करके देख लें पहले एक दफ़ा, ताकि कोई एरर हो तो हम लोग उसको पहले चेक कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। तो बिल्ड करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है डॉकर बिल्ड हाइफन माइनस टी टी टैग के लिए। यहाँ पर टैग में हम इमेज डॉट का अपना नाम दे देंगे, हमें जैसे करनी है इमेज का हम लोग नाम दे देते हैं एंजिनक्स ऑनलाइन, और यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया आगे डॉट कि करंट डायरेक्टरी में हमारी डॉकर फाइल है, तो हम लोगों ने करंट डायरेक्टरी में उसको बिल्ड करना है, क्योंकि डॉकर फाइल हमारी यहाँ पे मौजूद है। अगर डॉकर फाइल हमारी कहीं और मौजूद होगी तो हम लोग उसको उसका पाथ दे देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एंटर, ये क्या हुआ, डॉकर बिल्ड, अच्छा बिल्ड में मैंने टी लगा दिया उसमें, हाइफन टी एंजिनक्स ऑनलाइन और डॉट। यहाँ पर अगर आप वर्जन देना चाहें तो वर्जन भी दे सकते हैं, लेटेस्ट या फिर जो भी आपका वर्जन आपने देना है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये मेरी इमेज बिल्ड हो गई है, डॉकर इमेज एलएस। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास इमेज बिल्ड हो गई है मेरी। तो अब मैं करूँगा क्या कि इस इमेज को मैं रन करता हूँ अपने पास, और चेक करते हैं कि हम लोग वेबसाइट हमारी आई नहीं आई उस फोल्डर में। तो आइए उसके हैंडल लिए जो कमांड है हमारे लगा पास डॉकर रन हाइफन डी डिटेचेबल मोड के लिए, और हाइफन पी हम लोग कैपिटल दे देते हैं ताकि पोर्ट्स ऑटोमेटिक उठा ले, और उसके बाद हमारा आ गया एंड में इमेज का नेम, और डॉकर पी एस हाइफन ए प्रेजेंट स्टेट हाइफन ए ऑल के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज रन हो गई है इस पोर्ट पे, इसको मैं ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ अपने पास। मेरे पास वेबसाइट रन हो चुकी है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले एक दफ़ा। हम ये अपने पास भी करके देख लेना एक बार जी दफा जी रुक जी कर लें अपने लेना पास थोड़ा कर सा लें, वेट कर लें ठीक ठीक है। है ओके वेट कर लें।
ये हमारे पास कमांड्स आ गई, अगर किसी को कमांड याद नहीं है तो यहाँ से देख ले। अच्छा कॉपी की जो वो डॉकर फाइल में डॉट सही है। अगर आप अपने वर्कस्पेस के अंदर जो हम लोगों ने कोड पुल किया था उस फोल्डर में जाके अगर बिल्ड कर रहे हैं, मतलब डॉकर फाइल अपनी बना रहे हैं, तो डॉट लगाएंगे हम लोग, क्योंकि करंट डायरेक्टरी से हम लोगों ने कंटेंट्स कॉपी करने हैं। कहाँ पे? एनजीनेक्स के पाथ में, तो यूज़र शेयर एनजीनेक्स वाला पाथ जो था, ये वाला पाथ, यूज़र शेयर एनजीनेक्स /nginx/html www नहीं है इसमें, इसमें हाँ html है। HTML/ ठीक है। हरीश भाई रैपो को जी रैपो को कनेक्ट कर चुके हैं जंकिन से? जी अभी तक तो हम लोग कर चुके हैं। आपने क्या मिस कर दिया? मिस हो गया। मैं एक दफ़ा आपसे रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोगों ने पाइपलाइन क्रिएट की अपनी डैशबोर्ड से, न्यू आइटम, पाइपलाइन का हम लोगों ने नेम दे दिया, और प्रोजेक्ट टाइप हमारी जो है वो है फ्री स्टाइल। उसके बाद आपकी पाइपलाइन हो गई ओपन। आप यहाँ इस पेज पर आएंगे, कॉन्फ़िगर वाले पेज पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो कि आप कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद सोर्स कोड मैनेजमेंट में, क्योंकि हम लोग गिटहब से उसको इंटीग्रेट करा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर गिट का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने उसको प्लगइन यहाँ पर सेलेक्ट किया, गिट का। गिट का सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी गए गिटहब के रेपो पे, और गिटहब के रेपो से हम लोगों ने क्या किया कि रेपो का जो हमारा यूआरएल था, पोर्ट पे जाने के बाद https, और यहाँ से गिटहब के रेपो का हमारा यूआरएल आ गया। ये हम लोगों ने किया कॉपी, और हम लोगों ने रिपोजिटरी यूआरएल की फील्ड में हम लोगों ने उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग नीचे आए, नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है ब्रांचेस टू बिल्ड। अब यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांच हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ब्रांच आ रही होगी, जो भी आपका ब्रांच हो, मास्टर हो या मेन हो या एक्स वाई जेड कुछ भी आपकी ब्रांच है। तो यहाँ से आपने ब्रांच का नेम देखा, और उसके बाद आपने यहाँ पर नेम लिख दिया, क्योंकि हमारे पास मेन है तो मैंने यहाँ पर मेन लिख दिया उसको। सही। उसके बाद मैंने उसको किया सेव, सेव करने के बाद मैंने क्लिक किया बिल्ड नाउ। जब बिल्ड नाउ पे मैंने क्लिक किया तो उसने क्या किया कि जो मेरी रेपो पे कोड पड़ा हुआ है वो जेंकिंस के लोकल फोल्डर में पुल कर लिया उसने, जो कि मैं वर्कस्पेस के फोल्डर में जाके देख सकता हूँ। वर्कस्पेस में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी फाइल्स थी, कोड होगा, जैसे ये देखें, सही, डॉकर फाइल भी मेरी यहाँ पर आ गई है जो अभी मैंने क्रिएट की थी। सही सही। तो जो अच्छा आपने डॉकर फाइल वहाँ रिपोजिटरी में क्रिएट किया तो उस पर भी आ गई है। सही है। यहाँ से मैं अपनी इमेज स्टॉप कर लेता हूँ, एंजिनेक्स ऑनलाइन। अच्छा इमेज नहीं, मेरे पास कंटेनर चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया सब लोगों का? सरवत भाई कुछ कह रहे हैं, शो कंप्लीट कंसोल आउटपुट। जी सरवत भाई कह रहे हैं, मैसेज क्या है उन्होंने कि शो कंप्लीट कंसोल आउटपुट। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास कंसोल का आउटपुट आ गया है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ताहा भाई का मिस हो गया था तो एक दफ़ा उसको वापसी कर लेते हैं। तो ये आया कहाँ से? जब आपने बिल्ड किया, बिल्ड नीचे स्केजुअल हो गया, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, सही, जो टिक का आ रहा है यहाँ पे, आपका जब बिल्ड हो रही होगी ना तो लोडिंग चल रही होगी यहाँ पे। जब आप उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कंसोल आउटपुट के पेज पे ले आएगा आपको, और यहाँ पर सबसे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पे रिपोजिटरी का यूआरएल आ गया हमारी, उसने कोड को पुल करा, और यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया सक्सेस का। ठीक है, शुक्रिया। और अगर इस पर कोई एरर हुआ तो फिर आपको एरर लॉग्स में शो हो जाएंगे कंसोल आउटपुट में। सही सही सही। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है?
नहीं अभी तो नहीं है, आप चलें आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसको जेंकिंस के थ्रू हम लोगों ने कोड को पुल कर लिया। पुल करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था कि डेवलपर ने जेंकिंस पे अपना कोड पुश किया गिटहब पे, गिटहब पे पुश करने के बाद हम लोगों ने उसको जेंकिंस के थ्रू कोड को पुल कर लिया, और पुल करने के बाद हम लोग उसको करेंगे कंटेनराइज, और कंटेनराइज करने के बाद हम लोग उसको डिप्लॉय कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग एज अ एंड यूज़र उसको एक्सेस करेंगे ब्राउज़र पे अपने। तो ये आज की हमारी बेसिक पाइपलाइन है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पास। ठीक है, तो अभी हमारा कहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, अभी तक हमारा जेंकिंस सर्वर तक हमारा कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने अपने पास जेंकिंस पे पुल कर लिया उसको। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उस फोल्डर में जाके एक डॉकर फाइल क्रिएट की, डॉकर फाइल में हम लोगों ने क्या किया कि फ्रॉम बेस इमेज आ गई हमारी कि एनजीएनएक्स को यूज़ करते वक्त उसमें क्या करना है कि हम लोगों ने कॉपी करवाए करंट कंटेंट्स इस पाथ पे एनजीएनएक्स जो कि कंटेनर के अंदर का पाथ है, तो हम लोगों ने अपने सिस्टम से कंटेनर के अंदर के पाथ पे उस कंटेंट्स को कॉपी करवा दिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और है कि अभी हम लोगों ने पब्लिक रेपो को किया था, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाहिर सी बात है कि पब्लिक रेपो नहीं होगी, प्राइवेट रेपो होगी। तो हम लोग क्या करेंगे प्राइवेट रेपो को लिंक करवाने के लिए, अगर जैसे कि मैं एक रेपो लेता हूँ कोई जो प्राइवेट हो मेरे पास, मैं इस रेपो को एक काम करता हूँ उसको प्राइवेट कर देता हूँ, या एक और एक काम करते हैं एक और रेपो क्रिएट कर लेते हैं ताकि जिनको नहीं आती वो भी सीख लें। एक मैं टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ फ्री CSS से, यहाँ पर आपके पास HTML के टेम्पलेट्स आ गए। यहाँ पे आपने क्या किया कोई भी एक टेम्पलेट आपने डाउनलोड कर लिया, लीव प्राइवेट रेपो फॉर नाउ। ठीक है, फिर सरबत पे हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल प्राइवेट रेपो को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आज बेसिक ही रखें ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता में चीज़ें ऐड करते रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन ब्रांच से उसको कोड को भी पुल कर लिया, और उसके बाद हमारे पास हमने आना है बिल्ड स्टेप्स में। अभी इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चीज़ों को भी यूज़ करते जाएंगे वेब बुक्स वगैरह को। तो आप इसको स्किप करके नीचे आ जाएं बिल्ड स्टेप्स में, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एड बिल्ड स्टेप, तो जो विंडोज़ वाले हजरात हैं वो एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमांड पे क्लिक करें, और जो लिनक्स वाले हजरात हैं वो एग्जीक्यूट शेल पे आ जाएं। उससे होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग जो कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे वो हमारे लोकल सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगी। इसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने एक इमेज क्रिएट की थी यहाँ पे डॉकर की, एनजेनेक्स ऑनलाइन के नाम से हम लोगों ने एक इमेज क्रिएट की थी, क्योंकि इमेज हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इमेज को रिमूव करवाएंगे सबसे पहले, तो रिमूव की कमांड आ गई हमारे पास डॉकर, यहाँ पे sudo docker image rm, और यहाँ पे इमेज का नेम आ गया हमारे। सबसे पहले हम लोगों ने इमेज रिमूव करवाई, उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंटेनर स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंटेनर भी रन करवाया था। तो उसके लिए डॉकर स्टॉप, और यहाँ पे कंटेनर का नेम आ गया। कंटेनर का नेम हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर का हम लोग नेम देते हैं एंजिनक्स कंटेनर। ठीक है, इमेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एंजिनक्स ऑनलाइन की, और कंटेनर हमारा जो कंटेनर का हमने नाम दिया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने कंटेनर स्टॉप करवाया, यहाँ पे आप एक काम करें कि -- फोर्स का भी लगा दें ताकि अगर कोई इशू भी आ रहा हो कंटेनर स्टॉप करने में तो फोर्सफुली उसको स्टॉप कर दे। और सेम चीज़ इमेज में भी हम लोग कर लेते हैं कि अगर कोई इशू आए तो फोर्सफुली उसको स्टॉप कर दे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इमेज को बिल्ड करना है, क्योंकि जब भी चीज़ कोई अपडेट होगी उसके बाद हम लोग पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, तो वो पहले जो पहले से चलती हुई इमेज और कंटेनर है उसको डिलीट करके उसके बाद फिर नए सिरे से उसको बिल्ड करेगा ताकि चीज़ अपडेट हो जाए हमारी। क्योंकि एक दफ़ा हम लोगों ने उसको राइट करवा दिया तो फिर कंटेनर के अंदर जाके या तो हम लोग कर सकते हैं, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि
बिल्कुल स्क्रैच से कंटेनर हम लोग स्टार्ट कर लें ऑटोमेट करके। तो डॉकर बिल्ड हाइफन टी टैग के लिए, और यहाँ पर इमेज का नेम आ गया हमारी एनजीनेक्स हाइफन ऑनलाइन, वर्जन बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट उठाएगा। और जी इसकी जरूरत नहीं है, डॉकर ऐसा काम करता है कि अगर आपने कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन की है ना तो वो वाली लेयर दोबारा बनाता है, ठीक है जी? अगर आपने मॉडिफिकेशन नहीं की तो वो पुरानी इमेज ही यूज करेगा, उसकी वजह ये है मॉडिफिकेशन ही नहीं है तो फिर न्यू इमेज क्यों बना रहा है? आपकी आवाज थोड़ी सी है ना कम आ रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें ये करने की जरूरत नहीं है, जो डॉकर है वो लेयर्स पे काम करता है, अगर आपने कोई अपडेट की है ना तो ये इमेज को भी अपडेट कर देगा, लेकिन अगर आपने कोई लेयर अपडेट नहीं की तो फिर हमें नई इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपने जो जो डॉक्टर का ये है ना जी जी आपने वो अच्छे से रीड नहीं किया, ठीक है? तो ये आपने आपने देखना है कि ये कैसे लेयर्स में काम करता है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। पॉइंट समझ आए मेरा? जी जी सही है, यानी हम कंटेनर स्वैप करके डायरेक्ट इमेज बिल्ड कर दें, वो इमेज को अपडेट कर देगा, ऐसे ही बोल रहे हैं जी? कंटेनर क्यों स्टॉप कर रहे हैं? क्योंकि कंटेनर हमारे पास अभी रनिंग स्टेट में है ना, ठीक है, तो उसको पहले स्टॉप करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर इमेज बिल्ड करेंगे, फिर उसी से हम लोग कंटेनर स्टार्ट कर लेंगे अपना एक, ताकि जब भी हम लोग पाइपलाइन हमारी रन हो तो पहले कंटेनर स्टॉप हो अगर रनिंग स्टेट में हुआ वो, उसके बाद फिर पाइपलाइन बिल्ड हो, उसके बाद इमेज बिल्ड हो जाए हमारी। सुडो मुझे कंफर्म नहीं है कि परमिशंस का इशू आएगा नहीं आएगा, तो पहले बगैर सुडो के कर लेते हैं। वो आपने जो अपना यूजर है ना, जी जी जो यूजर इसको डॉकर के ग्रुप में ऐड करवा दूं, तो आपने उस यूजर को डॉकर ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। यहाँ पर ये ऐड होगा ऐसे करके, अब यहाँ पे करेंगे जो यूजर मोड हाइफन एजी हाइफन sudo यूजर मोड हाइफन जी, उसके बाद आप उसको कहेंगे कि न्यू ग्रुप डॉकर, ये डालेंगे, ठीक है? नहीं आरिज मैसेज किया है, मैसेज देखें एक सेकंड में देख लेता हूँ। यूजर मोड ठीक है, करंट यूजर को हम लोगों ने ऐड करवा दिया उसमें, न्यू ग्रुप डॉकर ठीक है। और आप प्लीज डॉकर कमांड रन करके देखिए, आप ये कर सकते हैं एक बार ये डाल के देखिए क्या ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है? चल गया, हो गया, ये डाल जो मैंने डाली है, चल रहा है हमारे पास। अच्छा तो अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि हम लोगों ने, क्योंकि डॉकर हम लोग जब वैसे चला रहे थे हम लोग, तो हमारे पास आता है परमिशन का इशू, तो जिसके हम लोग sudo यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो हमारा करंट यूज़र था उसको हम लोगों ने डॉकर के ग्रुप में ऐड करवा दिया, और उसके लिए जो हम लोगों ने कमांड यूज़ की वो थी sudo यूज़र ऐड हाइफन ए जी, ए का मुझे कंफर्म नहीं है फ्लैग किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन जी ग्रुप के लिए आ गया, और ग्रुप का नेम आ गया डॉकर, और यहाँ पर हमारा या तो वेरिएबल के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं यूज़र का नेम। तो करंट यूज़र के लिए वेरिएबल यूज़ कर लें ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर नाम में कोई इशू होता है तो फिर ऐड नहीं होगा। Invalid option A, अच्छा यूज़र मोड था, मैंने यूज़र ऐड कर दिया गलती में, यूज़र ऐड असल में बेसिकली यूज़र क्रिएट करने की कमांड है, तो यूज़र का यूज़र मोड के थ्रू हम लोगों ने इसको डॉकर के ग्रुप में ऐड करवा दिया, और उसके बाद दूसरी कमांड जो हम लोगों ने रन की वो थी
न्यू ग्रुप डॉकर, सरमत भाई न्यू ग्रुप डॉकर, क्या हम लोगों ने डॉकर का ग्रुप क्रिएट किया? बाय डिफॉल्ट तो वैसे क्रिएटेड होता है डॉकर का ग्रुप। हमें इसको मतलब के सेशन को बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ता है, अच्छा उसके तो जब उसके ये लिए हम डालते हैं लोग उसको। स्लैश बिन स्लैश बैच भी तो कर सकते थे शेल को रीस्टार्ट करके। मे बी बट ये रिकमेंडेड है। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोग आ गए अपनी वापसी जेंकिंस की पाइपलाइन पे। तो हम लोगों ने एक कंटेनर हम लोग रन कर चुके थे, तो हम लोगों ने उसको पहले स्टॉप करवा दिया ताकि जब हम लोग वापसी क्रिएट करें तो हमारे पास ये एरर नहीं आए कि कंटेनर पहले से रन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इमेज बिल्ड करवा दी इस नेम से, डॉकर बिल्ड हाइफन टी टैग के लिए, और यहाँ पर इमेज का नेम आ गया हमारा, और करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल है हमारी जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने डॉट दे दिया करंट डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ तक करके देखते हैं कि इमेज हमारी बिल्ट हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी पाइपलाइन बिल्ड हो रही है। कंसोल के आउटपुट में चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, एग्जीक्यूट शेल मार्क्ड एज फेलियर। यहाँ पे एरर क्या आया हमारे पास, अननोन फ्लैग हाइफन हाइफन फोर्स। ठीक है, फ्लैग हम लोगों ने बाद में देना था, पहले दे दिया। अब इसको बिल्ड करके वापस चेक करते हैं कि अब कोई एरर तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब क्या एरर आ रहा है हमारे पास, फ्लैग का इशू आ रहा है। मैं ज़रा फ्लैग चेक कर लूँ उसका। ठीक, अच्छा वो इमेज रिमूव करवाने के लिए हमें फोर्स का फ्लैग यूज़ करना था, कंटेनर के लिए ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूट शेल मार्क्ड एज फेलियर। अच्छा, अब हमारे पास क्या इशू आ रहा है, अब हमारे पास इशू ये आ रहा है कि जेंकिंस का जो यूज़र है ना, हमने उसको भी ऐड करवाना है डॉकर के ग्रुप में ताकि वो कमांड एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए वापसी वही कमांड आ गई हमारे पास, सूडो यूज़र मोड हाइफन ए जी डॉकर जेंकिंस, और यहाँ पे हम लोग बिन बैश के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सरमत भाई ने जैसे बोला कि रिकमेंडेड क्या है, उसकी कमांड न्यू ग्रुप डॉकर। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे अब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं कि बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा। परमिशन डिनाइड। ठीक है, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि जेंकिंस के नाम से यूज़र है या जेंकिन है, इसको भी ये भी चेक कर लेते हैं। जेंकिंस यूज़र डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, अच्छा जेंकिंस को हम लोग एक काम करते हैं कि सूडवर्ड्स की फाइल में ऐड कर लेते हैं ताकि परमिशंस का इशू नहीं हो।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जेंकिन जो यूजर था ना हमारे पास, उसको हम लोगों ने एडमिन यूजर में एडमिन के ग्रुप में ऐड करवा दिया। उससे क्या हुआ कि उसको एडमिन की परमिशंस मिल गई, अब वो हमारे सिस्टम पे शेल या कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हम चेक करते हैं अपनी पाइपलाइन बिल्ड करके कि अब देखते हैं अब क्या इशू आ रहा है। अच्छा आपकी स्क्रीन ना हैंग हो रही है मेरे पास, तो सबके पास हैंग हो रही है, सिर्फ मेरे पास हैंग हो रही है? इस चीज़ की मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि आपके पास ही हो रही है, सबके पास हो रही मेरे है। पास भी लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, स्क्रीन भी क्लियर नहीं है, ये नेट का इशू है शायद। या हाँ तो स्क्रीन भी ब्लर हो रही है बहुत। हो सकता है कि मेरे नेट का इशू हो। स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन आ गए लेकिन सेम इशू। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मैनेज जेंकिंस में जाके कॉल सुमरत भाई, ज़रा बताएंगे क्या इशू आ रहा है? परमिशंस का कोई इशू आ रहा है? अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैंने उसको सूडवर्ड्स की फाइल में भी ऐड कर दिया। जैसे पहले आप सूडो करे कर रहे थे वैसे करके देखें। सुडो करके देख लेते हैं।
एक करंट यूजर के थ्रू भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ये जेंकिंस यूजर के थ्रू भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ये एग्जीक्यूट कर कैसे रहा फिर? जेंकिंस यूज़र को भी परमिशंस मिली हुई है हमारे पास, डिफॉल्ट यूज़र को भी परमिशंस मिली हुई हैं, फिर क्या इशू आ रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक कमांड डालें डॉकर पीएस की, डॉकर पीएस -a, ठीक है? ठीक है, और इसको रीरन करें, बिल्ड वाली सारी कमांड उठा लें वहां से। मैंने आपसे कहा था कि आप टीम्स पे आ जाएं, इसकी इतनी गंदी क्वालिटी है कि टेक्स्ट भी पढ़ा नहीं जा रहा। टीम्स पे, टीम्स पे अब ये कि टीम्स पे करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, अभी भी ये आ रहा है परमिशंस का, got permission denied, वो नजर ही नहीं आ रहा, अभी पढ़ा जाएगा ना, मुझे पता है क्या मसला है, तो मैंने आपसे कहा वो करें पहले, इसको कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करें पाइपलाइन को, कर दी उसमें डॉकर पी एस साइफर एक ही कमांड दे दी एग्जीक्यूट शेल में। हाँ बस ठीक, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं लॉग से एक काम करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ उसमें चैट पे। इतनी क्वालिटी डाउन है कि टेक्स्ट भी पढ़ा नहीं जा रहा बिल्कुल। मैंने उस पे चैट पे पेस्ट किया लॉग्स उसके। अच्छा, डिनाइल वाली ट्राइंग टू कनेक्ट टू द लोकल डीमन सॉकेट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि जो आप डॉकर की कमांड डाल रहे हैं ना जी, वो आप डाल रहे हैं जेंकिंस के अंदर, सही है? ठीक है, अभी आप जेंकिंस के अंदर, ठीक है, और वहां पे आपके डॉकर का डीमन नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आपने डीमन को वहां पे ना इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जितना मुझे पता है आपको डॉकर के डीमन को ना वहां पे ये जो सॉकेट है ना इसको करना है, इंटीग्रेट करना है थ्रू जेंकिंस के अंदर, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो आप कमांड डालेंगे ना वो जाएगी डॉकर डॉक सॉक के पास, जो कि इसके जेंकिंस में, और जेंकिंस से आगे वो कमांड जाएगी फिर डॉकर के पास, सही है? ठीक है, मेरे ख्याल में यही इशू है, मुझे देखने दे, शायद ना मेरे पास इसका सलूशन कहीं पे पड़ा हो। लेकिन इसको मैंने जेंकिंस का जो यूजर था ना उसको मैंने सूडवर्ड्स की फाइल में भी ऐड करवा दिया और उसको डॉकर के ग्रुप में भी ऐड करवा दिया, फिर भी यही इशू आ रहा है। ये जब मैं जेंकिंस के यूजर से उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ डॉकर पीएस की कमांड, तब तो रन हो रहा है। जी, इमेज हमारी बिल्ड हो रही है, तो हम लोगों ने किया क्या था कि
जेंकिंस के यूज़र को डॉकर के ग्रुप में ऐड करवाया, उसके बाद जेंकिंस का सर्वर रीस्टार्ट किया क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे, इस वजह से यूज़र में ग्रुप में ऐड करने के बाद भी काम नहीं कर रही थी हमारी कमांड्स, तो जेंकिंस सर्वर हम लोगों ने रीस्टार्ट कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर कमांड्स रन करवाई थी, कमांड्स थी हमारी, हम लोगों ने इमेज बिल्ड की और उसके बाद उसी इमेज से हम लोगों ने एक कंटेनर रन कर लिया अपना, ठीक है। और यहाँ पे हमें हमारी कंटेनर हमारा रन हो रहा है यहाँ पे, इसको मैंने डिटेचेबल मोड पे नहीं चलाया तो इस वजह से उसके पूरे लॉग्स दिखा रहा है वो, लेकिन कंटेनर मेरा रन हो चुका है। ये देखें कंटेनर मेरा अप हो चुका है, मैं अगर यहाँ से भी चेक करता हूँ डॉकर पी एस साइफन ए, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेरा कंटेनर चल रहा है इस पोर्ट पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पाइपलाइन को स्टॉप करके यहाँ पे हम लोग डिटैचेबल मोड पे उसको चला लेंगे। ड्रॉप करने के बाद हम लोग वापस आ गए कॉन्फिगर में, कॉन्फिगर में आने के बाद नीचे हम लोगों ने डिटेचेबल मोड का कॉन्फिगर लगा दिया और सेव कर दिया। तो कंटेनर तो हमारे पास अब स्टॉप हो चुका होगा क्योंकि हम लोगों ने उसका पाइपलाइन को स्टॉप कर दिया, तो ये कंटेनर हो गया हमारे पास स्टॉप। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, कंटेनर को हम लोग को रिमूव भी करवाना है, तो हम लोग कंटेनर भी रिमूव कर लेते हैं। आप डॉक्टर आर एम कंटेनर का नेम आ गया हमारा कंटेनर, और अगर हम लोग उसको रिमूव नहीं करते बगैर रिमूव कर हम लोग वापसी रन करते हैं उसको, तो हमारे पास एरर आएगा कि इस नाम से कंटेनर पहले से चल रहा है या पहले से बिल्ड हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर कंटेनर का नेम जो है वो पहले से टेकन है, तो इस वजह से वो दूसरे कंटेनर उस नाम से नहीं बना। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंटेनर को रिमूव करवा रहे हैं कि जब भी हम लोग पाइपलाइन रन करें तो पहले कंटेनर हमारा अगर क्रिएटेड हो तो वो रिमूव हो जाए ताकि उसी नाम से दूसरा कंटेनर भी अप हो जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने उसको सेव कर लिया और उसके बाद जब हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो हमारा पाइपलाइन का मैसेज आ गया सक्सेसफुल, तो इस पोर्ट पे हमारे पास रन भी हो गई है डॉकर कंटेनर, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछते ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू करें। अच्छा ये नसल में या तो मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है, पता नहीं कल भी इंटरनेट का इशू आ रहा था काफी और अभी भी मुझे ये लग रहा है कि इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा आवाज आप बताएं जरा थोड़ी सी बेहतर है या फिर अभी भी बैकडोर में नॉइज आ रही है? माइक को दोबारा कनेक्ट करके देख सकते हैं आप? ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं जरा आवाज आ रही है? ये
अच्छा अब बताएं आप सही। हेलो आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिए जरा, आपको तो हम लोगों की बेसिक पाइपलाइन तो हम लोग की डिप्लॉय हो चुकी है। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, तो अभी शुरू से जितना भी हम लोगों ने किया उसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर लूँ। तो हम लोगों का आज का टारगेट क्या था कि एक डेवलपर है जिसने अपना कोड गिटहब पे पुश किया है और उसको हमने जेंकिंस के थ्रू हम लोगों ने उसको पुल किया है और उस कोड को हम लोगों ने फिर पुल करने के बाद उसको कंटेनराइज किया है और उसको डॉकर के कंटेनर पे डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर लिया अपने पास। ठीक है, तो शुरू से मैं एक दफ़ा स्टेप सारे रिपीट कर दूँ आप लोगों को ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर एक मैंने पाइपलाइन बनाई थी जो हमारा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट था और यहाँ पे आने के बाद मैं सोर्स कोड मैनेजमेंट में गया। यहाँ पर मैंने अपना प्लगइन सेलेक्ट किया गिट का और गिट का प्लगइन सेलेक्ट करने के बाद अपनी रिपोजिटरी से मैंने उसको गिट के रेपो का लिंक दे दिया अपना। ये मेरे गिट के रेपो का लिंक आ गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया गिट की रेपो का लिंक। फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि जिनके स्टेप्स मिस हो गए हैं वो देख लें एक दफ़ा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी ब्रांच दे दी जो मेरी गिटहब पे रेपो की ब्रांच थी। जैसे यहाँ पे मेरे पास है मेन, यहाँ पे आप देखें मेरे पास दो हैं बेसिकली, एक मास्टर है एक मेन है, तो मैंने उसको मेन ब्रांच दे दी। मेन ब्रांच देने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसमें एक शेल एग्जीक्यूट किया जिसके थ्रू हम लोग उसको डॉकराइज कर रहे हैं। डॉकराइज करने के लिए अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो यहाँ पे बैच यूज़ करेंगे आप। बैच में अच्छा मसला ये कि मसला तो खैर नहीं है लेकिन उसमें जो हम लोग बैक फॉरवर्ड स्लैश देते हैं ना लिनक्स में, तो उसमें हम लोग बैक स्लैश देते हैं पाथ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डॉकर का इमेज बिल्ड की थी एक जहाँ पर हम लोगों का कोड पुल हुआ हुआ है जिस डायरेक्ट्री में। तो पहले मैं इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लूँ ताकि कोड पुल हो जाए मेरे पास। ये मेरी सक्सेसफुल हो गई पाइपलाइन यहाँ तक और बिल्ड मैंने कर लिया है। मेरे ख्याल में मेरे पास इंटरनेट का कोई इशू हो रहा है। स्क्रीन चल रही है? ठीक है। अच्छा मैंने कॉन्फ़िगर में गया था, मैं कॉन्फ़िगर में जाने के बाद मैं उसको सेव नहीं करवाया। मेरी रेपो का लिंक आ गया और यहाँ से मैंने उसको ब्रांच दे दी अपनी मेन की। उसके बाद मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने उसको कर लिया बिल्ड।
बिल्ड किया और मेरी पाइपलाइन यहाँ पे हो गई सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के बाद मैंने वर्कस्पेस की डायरेक्टरी में चेक किया कि मेरे पास कंटेंट्स आए नहीं आए, और मेरे पास आ चुके हैं कंटेंट्स। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद जो जेंकिंस का यूज़र था ना मेरे पास, उसको मैंने ऐड कर दिया डॉकर के ग्रुप में। वो मैंने किया है सूडो यूज़र मोड हाइफन ए जी, यहाँ पे ग्रुप का नेम आ गया डॉकर, और यहाँ पे यूज़र नेम आ गया जेंकिंस। इसके थ्रू मैंने उसको ऐड करवाया जेंकिंस के ग्रुप में, डॉकर के ग्रुप में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कमांड दी थी उसको, जो कि चैट पे आपको मिल जाएगी। कमांड क्या थी मेरे पास, चैट असल में रीसेट हो गई है, तो उसको हिस्ट्री में जाके देख लेता हूँ उसकी कमांड। यहाँ पर मेरे पास नहीं शो रही, सिंपल फाइल लोड करवा ली। अच्छा, यूज़र ऐड करवाने के बाद एक कमांड भेजी थी सरमत भाई ने, उस कमांड थी न्यू ग्रुप डॉकर था, न्यू ग्रुप। और यहाँ पर डॉकर के उस ग्रुप में यूज़र ऐड हुआ, उसको रिफ्रेश कर लेगा उससे वो। उसके बाद फिर हम आ गए अपने जेंकिंस पे। यहाँ पर आने के बाद मैं गया कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद मैंने एक बिल्ड स्टेप ऐड किया, उसमें मैं एक शेल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने लोकल सिस्टम पे। उसमें मैंने क्या किया कि एक डॉकर फाइल बना ली थी मैंने वर्कस्पेस की डायरेक्टरी में, वार्स जेंकिंस वर्कस्पेस, और मेरा प्रोजेक्ट था ऑनलाइन सेशन 3 के नाम से, जो मैंने नई पाइपलाइन क्रिएट की थी अभी। यहाँ पर मैंने एक डॉकर फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने क्या किया, इज़ नॉट राइटेबल। इसमें मैंने बेस इमेज ली वो जेंकिंस की, एंजिनक्स की ली, और करंट कंटेंट्स मैंने कॉपी करवाए एंजिनक्स की डायरेक्टरी में, यहाँ पे कंटेनर की जो डायरेक्टरी है हमारी, उसका है यूज़र शेयर एंजिनक्स HTML। ये उसका पाथ है जहाँ पे हम लोगों ने कॉपी करवाने कंटेंट्स को। नहीं, www नहीं है इसमें। और यहाँ पर मैंने क्या करा कि डॉकर बिल्ड हाइफ़न टी टैग के लिए यहाँ पे इमेज का नेम आ गया मेरी इंजिनेक्स इमेज 2, और करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल है तो यहाँ से हमने उसको बिल्ड करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि उसी बिल्ड इमेज के थ्रू हम लोगों ने एक क्या चीज़, नहीं अभी तो बिल्ड कर रहे हैं ना हम लोग, अभी तो बिल्ड कर रहे हैं, वो रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पहले तो हमने इमेज बिल्ड की कमांड दे दी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कमांड दी कंटेनर रन करने के लिए। तो उसकी कमांड आ गई डॉकर रन हाइफन डी डैचेबल मोड के लिए हाइफन पी, यहाँ पे हम लोगों ने उसको पोर्ट दे दिया 8086, और उसको इमेज का हम लोगों ने नाम, यहाँ पे कंटेनर का भी नाम दे देता हूँ मैं, कंटेनर का हम लोग नाम देते हैं कंटेनर 2। और यहाँ पे उसके बाद हम आ गया हमारी इमेज का नेम। ठीक है, यहाँ तक हमारा डन हो गया, अब इसको हम लोग करते हैं बिल्ड। अच्छा, अब क्वालिटी सही है उसकी। कंटेनर 2 इज़ ऑलरेडी इन यूज़ बाय, अच्छा ठीक है, कंटेनर 2 के नाम से मेरे पास पहले से कंटेनर चल रहा है, तो मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ पहले। वो भी डॉकर के थ्रू ही करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पर डॉकर RM, और यहाँ पे हमारे कंटेनर का नेम। उसके बाद मैंने उसको बिल्ड किया, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है। नो सच कंटेनर,
इंजीनियर सेमिस्टर। अच्छा ये कंटेनर की नेम, इमेज की नेम दे दिया मैंने उसमें, ठीक है। डॉकर रन पोर्ट दे दिया उसको 8080। अच्छा यहाँ पे मैंने उसको इंटरनल पोर्ट नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे नेम आ गया और मेरी इमेज आ गई, डॉकर बिल्ड -t, यहाँ पे इमेज का नेम आ गया मेरी, ठीक है। अच्छा कंटेनर रिमूव जो मैं करवा रहा था वो मैंने इमेज का नेम दे दिया था कंटेनर की जगह गलती में। यहाँ पे मेरा आ गया कंटेनर का नेम और मैं इसको सेव किया। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। अब क्या आ रहा है, यू कैन नॉट रिमूव अ रनिंग कंटेनर, ठीक है। कंटेनर स्टॉप करना था उसके बाद रिमूव करना था, या फोर्स का फ्लैग लगा सकते थे हम लोग। कंटेनर को स्टॉप भी कर देते हैं उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं। डॉकर स्टॉप कंटेनर टू जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो गई है, फोर्सफुली इसको स्टॉप कर दिया और कंटेनर भी रन हो गया हमारे पास। कंटेनर हम लोग चेक कर लेते हैं, डॉकर -ps-a, यहाँ पर हमारा कंटेनर रन हो गया पोर्ट 8086 पे। इसको एक्सेस करके देखते हैं, यहाँ तक हमारा रन हो गया चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी बेसिक पाइपलाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी टाइम लोगों का पूरा हो गया है, क्योंकि आज की जो हमारा टारगेट था वो तो पूरा हो गया यहाँ तक। बाकी कल हम लोग SSH के थ्रू भी उसको देखते हैं और टोकन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे अगर प्राइवेट रिपोजिटरी है हमारी तो। अभी तक के लिए खैर इतना काफ़ी है क्योंकि इंटरनेट के भी थोड़े इश्यूज़ आ रहे थे मेरे पास और थोड़ा माइक की वजह से भी काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ हम लोगों का, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम लोग जी ये हम लोग 9 बजे के करीब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी 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 ग्रुप हम लोगों ने पर्सनल बनाया हुआ अपना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे ना अगर, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मैं नंबर शेयर अपना उस पर कर रहा हूँ चैट पे। अच्छा मैंने नंबर शेयर कर दिए, यहाँ से आप ऐड कर लें। अच्छा यहाँ तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले क्लास ख़त्म करने से पहले, ताकि अगर किसी को कोई मसला है तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लें उसको। जी जैन भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा कल बेसिकली समझ लें कि पहले हम लोगों ने क्यूबरनेटीज़ की थी तो क्यूबरनेटीज़ की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, लेकिन अभी CI/CD पर हम लोग समझ लें कि सही मानों में आज पहली क्लास हुई है, इससे पहले अभी तक क्लास नहीं हुई थी कोई, ठीक है भाई। अच्छा कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग मल्टी ब्रांचेस भी देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के उसको कैसे पास कर सकते हैं, और फिर हम लोग ग्रूवी स्क्रिप्ट का भी देखेंगे थोड़ा सा CI/CD में जेंकिंस में, क्योंकि ऐसे ऐसे जब चीज़ें हमारे पास बढ़ती चली जाएंगी तो हम लोग कोशिश यही करेंगे सब चीज़ों को ऑटोमेट करने की, अगर हमारे पास रिपोजिटरी भी मल्टीपल हैं और ब्रांचेस भी मल्टीपल हैं तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे। तो कल हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और बाकी कल हम लोग देखेंगे प्राइवेट रिपोजिटरी का कि अगर रिपोजिटरी हमारे पास कोई प्राइवेट है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पब्लिक पे काम किया है कि इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट प्राइवेट रिपोजिटरीज भी आएंगी, तो कल हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते हैं। बाकी अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है और ग्रुप पे भी पूछ सकता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। अभी की क्लास फिर हम लोग
एंड करते हैं। अगर किसी का कोई सजेशन है या फिर कोई चीज़ है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, विंडोज़ वाले यूज़र्स का मैंने बता दिया था कि जो विंडोज़ की यूज़र है ना, उन्होंने जो पाथ देना है, यहाँ पे अभी तो खैर हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि बिल्ड स्टेप में एग्जीक्यूट विंडो शेल करेंगे। एक सेकंड में देख लेता हूँ। बिल्ड स्टेप में एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमांड, वो लोग यहाँ पर जाके कमांड्स देंगे अपनी डॉकर की। क्योंकि मेरे पास अभी लिनक्स था तो मैंने एग्जीक्यूट शेल किया, नहीं तो आप लोग विंडोज़ बैच कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जेंकिंस के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास एंड करते हैं आज, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।